कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्लास 11 की 11th लेक्चर हुई और आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसे एलिमेंट्स की ईसी लिखने की जो एक्सेप्शनल हो, जो अपवाद हैं, मतलब जो जनरल रूल को फॉलो नहीं करते। इससे पीछे वाली क्लासेज में हम लोगों ने फुल ईसी लिखना सीखा था, नोबल गैस नोटेशन का यूज करके ईसी लिखना सीखा था और आज हम उन एलिमेंट्स का जिनका एक्सेप्शनल ईसी है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, हर वक्त हर साल कंपटीशन में ये ईसी वाले पार्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और न सिर्फ इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बल्कि पूरे केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनकी हर जगह जरूरत पड़ते रहे। तो इस पार्ट को बिल्कुल आपको परफेक्ट कर लेना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों सेट वन, ये जेड लिखा, और जेड आप लोग जानते ही हैं कि जेड हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर के लिए। तो जेड अपना यहां पे लिखा 24 29 41 to 47 और फिर लिखा 78 79। तो ये अपना एक्सेप्शन सेट वन हुआ जिसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा है, अभी नाम भी बतलाएंगे। 24, तो 24 एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का होता है, उसका नाम हुआ क्रोमियम, सिंबल हुआ Cr, तो आप इसको अब भूलेंगे नहीं। वो Cr का हुआ 24, Cr 24, मैं एक बार लिखते चलता हूँ। 29 हुआ कॉपर का बच्चों, तो कॉपर यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखते हैं चूंकि इसी लिखना होगा फिर, तो कॉपर का यहाँ पे लिख दिया 29। अब 41 की बात आई, तो 41 होता नियोबियम का, Nb सिंबल हुआ नियोबियम, Nb 41। 42 हुआ बच्चों मॉलिब्डेनम का, तो Mo सिंबल हो गया 42। अब 43 की बात करोगे तो 43 आ गया टेक्नीशियम का, Tc 43। वैसे ही 44 की बात करोगे तो ये हो गया रुदेनियम 44। 45 की बात करोगे तो ये चला आया रोडियम 45। 46 की बात करोगे ये चला आया प्लेडियम 46। 47 आपका चला आया सिल्वर का 47। 78 चला आया प्लैटिनम का, तो प्लैटिनम 78। और 79 हो गया बच्चों गोल्ड का, Au 79। तो फर्स्ट हैंड में आपको ये एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए, 24 29 41 to 47 78 and 79। अब आइए इसमें एक, वैसे तो हर एलिमेंट का अलग अलग इसी लिखेंगे ही, लेकिन हम एक जनरल तरीका बता देते हैं जो आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप बस ठीक से देख लो इसको। मैंने यहां लिखा NS, यहां लिखा N-1D, NS लिखा N-1D लिखा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे कैरो से दिखा दिए। अब इसको बॉक्स में आप घेर लीजिए, एक्सेप्शन सेट वन है आपका दिस,
तरीका ये बताया बच्चों कि इन सभी एलिमेंट्स का जनरल ईसी, जनरल रूल को फॉलो करके आप ईसी लिख लीजिए, और एनएस, एनएस कहने का मतलब आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए एन माइनस वन डी में। एन माइनस वन को हम पढ़ते हैं पेनल्टीमेट। मैं थोड़ा यहां आपको दिखला देता हूं, आप देख लीजिए यहां पे, ये जैसे कोई एटम है, इसके कुछ सेल्स हैं, डन। ये फर्स्ट सेल जिसको के बोलते थे, एल एम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांच सेल हमने दिखाया, तो इसको कहेंगे हम लोग आउटर मोस्ट सेल। ये आपका क्या हो गया, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एन सेल से। इसके जस्ट पहले वाले को हम लोग बोलेंगे बच्चों पेनल्टीमेट। तो ये आपका चला आया पेनल्टीमेट सेल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन माइनस वन से। इसके जस्ट पहले वाला चला आया एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल टीमेट सेल, और इसको डिनोट करेंगे आप लोग एन माइनस टू से, एन माइनस टू से। तो अब कंक्लूड किया जाए यहां पे कि किसी एटम में मान लो पांच सेल है, तो पांचवा उसका आउटर मोस्ट हुआ। अब कोई कहता कि छह सेल होता तो छठा जो लास्ट सेल है वो आउटर मोस्ट कहलाया, उससे जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेट और उससे जस्ट पहले वाला एंटी पेनल्टीमेट। आउटर मोस्ट को एन सिंबल से डिनोट करते हैं, पेनल्टीमेट के लिए एन माइनस वन लिखेंगे और एंटी पेनल्टीमेट के लिए एन माइनस टू लिखेंगे। अब आइए, अब आप इस बात को समझ लीजिए कि हमने कहा था कि इन एलिमेंट्स के केस में जनरल ईसी तो नहीं होगा, जनरल रूल को फॉलो करके जो ईसी लिखेंगे वो गलत हो, तो इनमें सही वाला जो ईसी होगा उसमें आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल से जनरली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। अब मैं इसी बात को इसी लिख के समझाता हूं, तब आप पूरा एक दो लिखते लिखते समझ जाएंगे। अब आइए क्रोमियम का, तो पहले जनरल रूल को फॉलो करके हम लोग इसी लिखते हैं। तो जैसे क्रोमियम है बच्चों, तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम की मालूम है 24। इसके जस्ट पहले वाला जो नोबल गैस है वो है अपना आर्गन, तो यहां पे लिख दिया आर्गन। अब आर्गन लिखते ही गिन लिया हीलियम नियॉन आर्गन, थर्ड पोजिशन पे है तो 3p भर चुका है और 18 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया है। अब जैसे ही 3p भर चुका तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा, 4s में, तो 4s2 लिखा। अब 18 और 2 20 लिख दिया, बचा कितना, 4 बचा, तो 4 बचा तो अब लिख दिया यहां पे 3d4। लेकिन मालूम है कि ये एक्सेप्शन है, तो ये जो क्रोमियम का इसी लिखा दिस इज रॉन्ग, ओके ये गलत है। अब आप पहचानिए कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो आपको दिखा फोर्थ सेल। अब आपको क्या करना था, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना था पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में, मतलब 4s से आपको इस केस में एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर करना होगा, समझ गए आप। तो अब आइए, 4s था आउटर मोस्ट का s, अब 3d था पेनल्टीमेट सेल का d, तो अब 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दीजिए, तब आपका नया इसी आ गया आर्गन 4s1 3d5, तो ये आपका करेक्ट इसी हुआ बच्चों। अब यहां क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट इसी ही है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब अब आप समझते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखा करते हैं। तो अब ये हो गया आपका क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इसी। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए कि 4s में भी 1 है, मतलब 4s वाला एक अनपेयर्ड है और 3d वाला जो 5 है वो भी अनपेयर्ड है, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 6। अब आइए कॉपर में, तो कॉपर की इसी लिखते हैं पहले जनरल रूल को फॉलो करके, तो इसमें भी इसके जस्ट पहले जो नोबल गैस आया वो आर्गन हुआ बच्चों, तो यहां पे आप आर्गन लिख दीजिए। अब इसके बाद 4s2 आ गया और 4s2 के बाद 3d में गया 9,
18 दो 20 और 20 और 9 29, 29 हो गया। लेकिन ये मालूम है कि एक्सेप्शन था, तो ये भी गलत है। अब इसमें भी देख लीजिए कि आपका आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल है, तो इसके एस से एक इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए 3D में, तो अब आपका इसका करेक्ट इसी हो गया, आर्गन 4s1 3d10। तो दिस इज द करेक्ट इसी ऑफ कॉपर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी नहीं भूलेंगे क्रोमियम कॉपर की इसी को। अब आइए, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जनरल रूल को फॉलो क्यों नहीं किए। जब साइंटिस्टों को पता चला कि ये जनरल रूल ऑफ इसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इनके इसी को स्टडी किया, इसी में हुआ क्या है। तो उन्हें दिखा कि दरअसल जो ओरिजिनल इसी इसका था, ये था, उसमें 4s तो फुलफिल्ड था, लेकिन 3d जो था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, मतलब ना तो वो फुलफिल्ड था और ना ही हाफ फिल्ड था। जो न्यू इसी करेक्ट वाला इसी हुआ क्रोमियम का, उसमें 4s में 1 हो गया, मतलब अब ये हाफ फिल्ड हो गया। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, s में जब एक इलेक्ट्रॉन रहा तो वो हाफ फिल्ड हो गया, तो अभी ये हाफ फिल्ड हो गया, और यहां 3d में भी 5 हो गया, मतलब ये भी हाफ फिल्ड हो गया। अब कॉपर वाला को एग्जामिन किया जाए, तो पहले से जो ओल्ड इसी था इसका, ओरिजिनल इसी था, उसमें 4s में 2 था, मतलब 4s फुलफिल्ड था, लेकिन जो 3d था ना तो फुलफिल्ड था ना ही हाफ फिल्ड था। 3d में चूंकि 9 है, नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। ओके, जब 4s से एक 3d में ट्रांसफर किया गया, तो 4s में 1 हो गया, मतलब 4s हाफ फिल्ड, और 3d में 10 हो गया, मतलब 3d फुलफिल्ड। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, कॉपर में 4s हाफ फिल्ड हो गया, 3d फुलफिल्ड हो गया, और क्रोमियम में क्या हुआ, 4s हाफ फिल्ड हो गया, 3d भी हाफ फिल्ड हो गया। और साइंटिस्टों ने पाया कि जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सिमेट्री के वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिमेट्रिक होने के। तो साइंटिस्टों ने एक रूल दिया कि यहां पे ऐसा इसलिए हुआ क्रोमियम और कॉपर के केस में कि ऐसा करने से वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहे हैं। और यहां से कंक्लूजन उन लोगों ने बतलाया कि फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अब आप क्रोमियम और कॉपर के केस में अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल इसी का रीजन क्या रहा। तो रीजन रहा कि ऐसा होने से उनके ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ओके, तो यहां तक की सारी बातें क्लियर। अब आइए नायोबियम में, 41 है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो नोबल गैस हुआ बच्चों, वो हुआ आपका क्रिप्टॉन। तो यहां पे मैंने क्रिप्टॉन लिख दिया, क्रिप्टॉन लिखने का मतलब हमने 36 तो लिख दिया है यहां। अब आ जाइए क्रिप्टॉन को जोड़ लीजिए, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन फोर्थ पोजीशन पे है, 4p भरा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, तो 5s2 होना चाहिए, और 36 दो 38, 5s के बाद 4d में 3 होना चाहिए। ये ओरिजिनल इसी हुआ, लेकिन ये भी इसका रॉन्ग हो गया। अब इसका करेक्ट इसी, तो यहां से देख लीजिए, क्रिप्टॉन 5s1 4d4, तो दिस इज द करेक्ट इसी ऑफ नियोबियम। अब आ जाइए मॉलिब्डेनम में, तब कुछ और बात करेंगे। तो मॉलिब्डेनम की लिखेंगे आप, तो क्रिप्टॉन ही हुआ, और क्रिप्टॉन लिख दिए 36, फिर लिख दिया आपने 5s2, 38 हो गया, और 5s2 के बाद लिख दिया 4d4। तो यहां पे जब देखेंगे आप, तो यहां पे आपका चला आया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद 5s1 हो गया, और 5s1 के बाद हो गया 4d5। ओके, अब देखिए, ये तो रॉन्ग वाला था, ये सही हुआ। अब थोड़ा टेक्नीशियम में आइए, तो टेक्नीशियम में वैसे दोनों होता है, जो जनरल रूल को फॉलो करके लिखा जाएगा वो भी, और एक्सेप्शन को फॉलो करके लिखा जाएगा वो भी। तो जैसे इसका जनरल इसी अगर लिखोगे, तो यहां पे क्या आएगा, क्रिप्टॉन 36 हो गया, इसके बाद 5s2, और 5s2 के बाद आ गया बच्चों 4d 36 दो 38 और 4d5। तो इसमें यह भी सही होता है, और एक्सेप्शन वाली बात लगा के लिखोगे तो क्रिप्टॉन तो रहेगा ही,
5s 1 हो जाएगा 46। आप समझ गए होंगे। अब आओ रुदेनियम, तो क्रिप्टॉन ही रहेगा। क्रिप्टॉन के बाद अब आप आ जाओ 5s 2, और 5s 2 के बाद 46 होना चाहिए था, तो ये नहीं होता। यहाँ जो करेक्ट इसी है बच्चों, वो हो गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद 5s 1, और 5s 1 के बाद हो गया 47। ये करेक्ट इसी हुआ। अब थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सिल्वर का भी लिख देते हैं। सिल्वर का लिखोगे तो सिल्वर में आपका चला आया, यहां पे क्रिप्टॉन ही रहा, 5s 2 रहा और 49 रहा, जो कि गलत है। अब इसका सही करके लिखोगे तो क्रिप्टॉन रहेगा 5s 1, 40 10। तो जब आप सिल्वर का देख रहे हो तो 40 फुल फिल्ड हो जा रहा है और ये हाफ फिल्ड हो जा रहा, तो वो क्रोमियम कॉपर वाला रूल तो यहां लग गया। लेकिन जब आप रुदेनियम का देखते हो, 44 एटॉमिक नंबर, देखो इसको तो पहले से जो ओरिजिनल इसी था उसको देखो, ये 5s फुलफिल्ड था और 40 में 6 था, मतलब 40 पार्शियली फिल्ड था, ना तो फुलफिल्ड था नहीं हाफ फिल्ड था। अब जो न्यू ईसी इसका लिखा गया सही वाला, उसमें बच्चों लिखा गया 5s 1, मतलब 5s तो हाफ फिल्ड हो गया और 40 में 7 हो गया, मतलब ये अब भी पार्शियली फिल्ड है। तो ऐसा नहीं हुआ कि 5s से एक इलेक्ट्रॉन भेजने पे 5s और 40 दोनों फुल फील्ड या हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो। तो यहां पे फिर ऐसा क्यों हुआ? पहले से तो 5s फुल फील्ड था ही, 40 पार्शियली फील्ड था, अब एक इलेक्ट्रॉन भेजने से 5s हाफ फील्ड हुआ और 40 तो अब भी पार्शियली फील्ड ही है। जरा इसमें आइए आप, 41 में आइए, तो 41 में आपका 5s 2 43 था। अब यहां से अब आप, ये ओरिजिनल था जो गलत है, आपका सही वाला है 5s 1 44, मतलब पहले से आपका 5s फुल फील्ड था, 40 पार्शियली फील्ड था, अब 5s हाफ फील्ड हो गया और 40 आपका पार्शियली फील्ड हो गया। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिल्वर में तो रीजन ये पता चला कि यहां तो हाफ फील्ड 5s हो गया और ये फुल फील्ड हो गया, लेकिन जैसे रुदेनियम में देखा वैसे ही हमने अभी अभी नियोबियम में देखा, तो यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने एक और रीजन बताया कि एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं, जैसे ये अपना देखो फर्स्ट सेल था, सेकंड सेल था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाते समय भी हमने बतलाया कि E2 इस सेल की एनर्जी को E2 कह रहे हैं, सेकंड सेल की एनर्जी को E2 - E1 ग्रेटर देन E3 - E2 ग्रेटर देन E4 - E3 ग्रेटर देन E5 - E4 एंड सो ऑन सो फोर। मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर चलते जाते हो, दो सेल्स की जो एनर्जी डिफरेंस है वो घटते चली जाती है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा हुआ बच्चों नियोबियम में कि 5s और 4d की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, और 5s 4d की एनर्जी डिफरेंस कम होने के वजह से 5s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 4d में। तो मेन रीजन यही है बच्चों, ये जो जंपिंग हो जा रही है ns से n-1d में, तो दरअसल इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जरूर है कि 4d की एनर्जी थोड़ी 5s से ज्यादा है, लेकिन जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है, और उसके कम होने के वजह से इसके ns से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा है n-1d में। अब आ जाओ आपका प्लैटिनम का लिखना है, तो प्लैटिनम 78 है, मैं एक का लिख के जस्ट दिखा रहा हूं। तो प्लैटिनम लिखोगे आप, तो प्लैटिनम के लिए जस्ट सी, इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस आपका जेनॉन हो गया बच्चों, और जेनॉन की एटॉमिक नंबर आपकी 54 चली आई। अब जोड़ लो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन कहने का मतलब 5p आपका भरा हुआ है, और 5p के बाद जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो कहां इंटर करेगा? 6s में, तो 6s2 होता, और 6s2 के बाद 4f14 होता, 4F14 के बाद 5D8 होता। अब आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा 78, जैसे ये 54 था, 256, 14, 70 और 8, 78 हो गया। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे जो एक्चुअल इसी है वो है जेनॉन, 6S1, NS ये हुआ और N-1D ये हुआ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दीजिए।
अब आप लिखना सीख गए होंगे, 4F14 हुआ और यहाँ हो गया 5D9, 5D9, ये सही है। और यहाँ भी रीजन वही है कि 6s 5d की एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए ऐसा हो जाता है, 6s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 5d में। अब आप अगर गोल्ड का लिखोगे बच्चों, तो गोल्ड का हो गया आपका जेनॉन, जेनॉन के बाद आपकी क्या आ गई 6s2, 6s2 के बाद 4F14 और बस यहाँ पे 5D9। अब यहाँ पे ये गलत है, जो सही वाला इसी है वो हो गया 6s2, 6s2 के बाद आ गया आपका 6s1, 6s से ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 6s1, 4F14, 5D10। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल फिल्ड हो गया, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल वाला भी चलाएगा और एनर्जी डिफरेंस कम है वो वाला बात भी चलाएगा। अब आप आ जाओ प्लैटियम 46 में, तो प्लैटियम 46 में मैं स्टार लगा दे रहा हूं और इसमें एनएस से दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा N-1D में। तो आपको इसको बिल्कुल अलग से याद रखना पड़ेगा कि प्लैटियम 46 में एनएस से एक नहीं बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन N-1D में ट्रांसफर होगा। तो इसका ओरिजिनल इसी होता बच्चों, इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस क्रिप्टॉन आता, गिन लेते आप हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, चौथे पोजीशन पे है तो 4P भर चुका है, यहाँ से फिर 5s2 होता और 5s2 के बाद 4d8 होता, ये गलत हो गया। अब इसका जो इसी आया सही वाला क्रिप्टॉन 5s0, इसको चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते, 5s0 कहने का मतलब 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो 5s0 और यहाँ चला आया बच्चों 4d10। तो ये थोड़ा विशेष तरह का एक्सेप्शन हुआ जिसको आपको याद करना होगा। और एक हुआ टेक्नीशियम जिसमें जनरल रूल वाला भी चलेगा, ज्यादातर हम लोग यही जनरल रूल वाला ही फॉलो किया करेंगे और एक्सेप्शन वाला भी सही होता। बाकी एक छूट गया आपका, यहाँ पे नहीं लिखा गया है रोडियम का, तो आप लिख लोगे वही एनएस से 5s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लोगे। अगर बात करोगे इसकी ओरिजिनल होती 5s247 रोडियम की, अब एक 5s से ट्रांसफर कर दोगे तो 5s1 4d8 हो जाता। ओके, तो इतनी बात आप सीख गए होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब आइए एक्सेप्शन सेट 2 की बात करेंगे। तो इसमें हमने जो जेड लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है, वो 57, 58, 64, 89 एंड 90। ये एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए, 57, 58, 64, 89, 90। ये आपको याद हो गया या याद हो जाना चाहिए। अब आइए इसके लिए एक जनरल रूल मैं लिख रहा, ये जनरल रूल लिखा N-2F से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर करेंगे N-1D में, ये वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू N-1D। अब बच्चों N-2 का मतलब अभी समझाया था एंटी पेनल्टीमेट सेल, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करनी है पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। ओके, तो ये आपका जनरल रूल हो गया इनके इसी को लिखने का। अब आइए अब एक एक करके लिखते हैं, जैसे 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम का हो गया, तो ये लैंथेनम 57 आप याद भी कर लेंगे इसको। इसके जस्ट पहले आने वाला नोबल गैस हुआ आपका जेनॉन, जेनॉन मैंने लिख दिया। अब जैसे ही जेनॉन लिखा बच्चों, गिन लिया हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, फिफ्थ पोजीशन पे आया, फिफ्थ पोजीशन पे आया मतलब 5p भर चुका है और यहां 54 लिख दिया, 5p भर गया तो 5p के बाद इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, 6s2 लिख दिया, 56 हो गया, 54 और 2 56 हो गया, और 6s के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन आता है 4f में। लेकिन अभी कहा गया कि ये गलत है, जनरल इसी गलत है क्योंकि ये एक्सेप्शनल इसी हुआ। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट 6 सेल है, तो पेनल्टीमेट 5th सेल हुआ और एंटी पेनल्टीमेट ये हुआ 4th सेल। तो यहां हमने क्या रूल बतलाया आपको कि एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर दीजिए पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। तो यहां से एक ट्रांसफर करना है 4F से, कहां ट्रांसफर कीजिएगा 5D में, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट इसी हो गया बच्चों, जेनॉन 6s2 5d1।
तो दिस इज द करेक्ट इसी, और फिर रीजन यही होगा, फिर रीजन यही होगा कि 6s और 5d का जो एनर्जी डिफरेंस है, और सॉरी 4f और 5d का जो एनर्जी डिफरेंस है वह काफी कम है, इसलिए 4f से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 5d में। अब आइए यहां से सीरियम, तो यह 58 हो गया। अब यहां से फिर लिखा जेनॉन लिख दिया, और जेनॉन अभी अभी देखा था कि 5p भर चुका है, तो 5p के बाद आप इलेक्ट्रॉन 6s में रख दीजिए और फिर 4f2 लिख दीजिए, 4f2, लेकिन ये रॉन्ग है। अब इसका करेक्ट इसी लिख दीजिए, तो करेक्ट इसी हो गया, जेनॉन 6s2, यही आउटर मोस्ट हुआ, पेनल्टीमेट 5th हुआ और एंटी पेनल्टीमेट 4th हुआ। तो 4th के f सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर दीजिए 5d में, तो यहां 4f1 तो रह गया, चूंकि 4f में 2 था बच्चों, एक ट्रांसफर हुआ तो 1 बचा रह गया, तो 4f1 एंड 5d1, तो दिस इज द करेक्ट इसी। नेक्स्ट वन इज 64 गैडोलिनियम, तो ये 64 रहा, यहां भी इससे जस्ट पहले आने वाला नोबल गैस जेनॉन है, जेनॉन लिख दिया, 54 आपका हो गया यहां। अब 6s2, तो 54 और 2 56, और 4f आया, इसमें 8 होना चाहिए था लेकिन ये गलत है। अब आप फिर एक, ये आपका आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट 5वां, एंटी पेनल्टीमेट 4था, तो 4f से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए 5d में, तो आपका सही इसी आ गया। तो सही इसी इसका आ गया बच्चों, जेनॉन 6s2 4f7 5d1, तो दिस इज द करेक्ट इसी फॉर गैडोलिनियम। अब आप आइए 89, तो 89 एक्टिनियम की एटॉमिक नंबर भी, Ac एक्टिनियम, तो अब इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस आपका हो गया रेडॉन, रेडॉन लिख दिए, गिन लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, छठे पोजीशन पे है, 6p भरा हुआ है, तो यहाँ 7s हो गया, और 86 और 2 88 हो गया, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, तो 5f1, बट दिस इज रॉन्ग। और यहां पे देखिए आपका आउटर मोस्ट सेल 7th सेल है, तो आपका जो पेनल्टीमेट हुआ वो 6th हुआ और एंटी पेनल्टीमेट 5th हुआ, तो यही इसी के 5f के 5f से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया 6d में, और इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि 5f और 6d की जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है। तो यहां से अब आपका चला आया रेडॉन 7s2 6d1, तो दिस इज द करेक्ट इसी। अब 90 एटॉमिक नंबर थोरियम का हुआ, थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों, ये थोरियम। अब इसमें जनरल रूल को फॉलो करके लिखा, तो रेडॉन था, 7s2 था, 5f2 था, लेकिन ये गलत हो गया। और अब इसमें ये विशेष तरह का एक्सेप्शन हुआ, N-2f से एक नहीं बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन N-1d में ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए यहां पे मैंने स्टार पुट कर दिया है, इसको आपको याद रखना होगा। थोरियम 90, N-2f से दोनों इलेक्ट्रॉन N-1d में शिफ्ट होगा, तो इसकी करेक्ट इसी हो गई बच्चों, रेडॉन 7s2 और 6d2, तो दिस इज द करेक्ट। तो ये दो सेट में एक्सेप्शंस को बांट करके आपको सारे एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया, और आप अब इन एक्सेप्शंस को खुद से प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे कि इसी लिखने वाला पार्ट में अब आपको सारे एलिमेंट्स का इसी में मास्टरी करा दिया। अगर आप आज की लेक्चर को, इससे जस्ट पहले वाले को और उससे जस्ट पहले वाले को, ये तीन लेक्चर में मैंने पूरे इसी को डिवाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, आप अगर इन तीनों को कंप्लीट कर लें और उसके पीछे वाली लेक्चर्स अगर आपको कंप्लीट है, तो आप पूरे लाइफ के लिए इसी लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले दिन और नई चीजों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत थैंक।